चलें। वंस अगेन वेलकम बैक टू द रवि ऑल इंडिया फार्मर, एज यू नो डिसाइड रवि। तो गाइज एक बार फिर से मैं आपको एक डॉग ब्रीड दिखाने वाला हूँ, काफ़ी फ्रेंडली ये कुत्ते हैं और जो इनके ऑनर हैं हम उनसे भी आपकी बात कराने वाले हैं, कितने दिन की ये डॉग ब्रीड है और इसका क्या नाम रखा हुआ है। तो सर सबसे पहले वेलकम है आपका रवि ऑल इंडिया फार्मर में। सर आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम विमल सिंह है, मैं मोदीपुरम मेरठ का रहने वाला हूँ जी, और मैं इस पेट का ओनर हूँ जी। तो सर सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा, ये क्या नाम रखा है आपने इस डॉग का? इसका नाम विंसी है। विंसी, काफ़ी अच्छा नाम है। और अगर बात करते हैं ये विंसी अभी कितने दिन की हो चुकी है? ये लगभग 3 साल की होने वाली है। 3 साल की, मेल है फीमेल? फीमेल है। फीमेल है। और ये ब्रीड कौन सी है सर? बियर्डेड कोली। बियर्डेड कोली, बियर्डेड कोली। तो सर अगर बात करते हैं ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पसंद करती है? ये थोड़ा बच्चों के साथ खेलना और फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। खेल कूद उछल कूद इन्हें काफ़ी पसंद है, एक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ओके, तो अगर बात करते हैं तो अभी आपने इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह करा रखी है? हाँ जी हाँ जी, रेबीज भी लगवा रखा है और DHPPI भी लगवा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। अगर बात करते हैं ये खाने में क्या पसंद करता है? खाने में वैसे तो ज़्यादातर बाहर की चीज़ें पसंद नहीं करती है, मतलब औरों की करती होगी, मेरे वाली ऐसी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा दूध रोटी जो देते हैं इसको, अंडा वगैरह तो खा लेती है वो। यानी कि ये दूध अंडा वगैरह खा लेती है। और चिकन वगैरह खिलाएं? चिकन हम ऐसे ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, कभी कभी खिला देते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि चिकन खाने से कुत्ता थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है, तो इसी वजह से कुछ कुत्ता नहीं खाते, कुछ ऑनर भी नहीं खिलाते, तो काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लग रही है। और इसके जो बाल हैं वो काफ़ी भी स्मूथ हैं, ऐसे झुलसे हुए नहीं हैं। और सर अगर मैं बात करता हूँ इसके बच्चों की या फिर इसके मतलब मेल फीमेल की, उसका क्या प्राइस है? सर मैं भी मार्केट का जो प्राइस है इसका लगभग 17-18,000 के आसपास है जो अभी चल रहा है, कभी कभी जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो लगभग 25,000 के आसपास भी पहुँच जाता है। और अगर बात कर रहे हैं जैसे कि अभी इसमें वेट कितना होगा? इसमें वेट लगभग 15-16 केजी होगा, इसमें वेट कमी होता है, देखने में थोड़ी बड़ी लगती है पर लिनाने के बाद जैसे इसके बाल चिपक जाते हैं ना तो थोड़ी दुबली पतली सी दिखती है। तो अच्छा, अगर जैसे कि विंसी है, इस तरह के कुत्ते जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैं बाहर गया था इधर मनाली की तरफ, उधर के मैंने कुत्ते देखे थे, उसके भी बाल काफ़ी बड़े बड़े थे, काफ़ी झबरे लग रहे थे वो देखने में, तो इन बालों में गर्मी महसूस नहीं करती क्या? हाँ थोड़ा गर्मी महसूस करती हैं ऐसे, अगर ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंटल है तो थोड़ा ये हाँफने लगती है जीभ वगैरह बाहर काट के, तो इसलिए थोड़ा ना ठंडी जगह पर रहना काफ़ी पसंद है। तो अभी अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसके विंसी के परिवार में अभी कौन कौन है? अभी विंसी के परिवार में वैसे तो मैंने एक मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, अब उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं तो इसको जब से पाल रहा हूँ जब से उन्होंने दिया था बचपन से, मुझे इसकी फैमिली के बारे में नहीं पता है। अच्छा, अगर बात करते हैं तो अभी जैसे कि आपके पास ये कितने दिन से? ये मेरे पास लगभग 2-3 साल से, जब से पैदा हुई ना 3-4 महीने बाद मेरे पास आ गई थी तब से मेरे पास ये। तो अभी ये मेल है फीमेल है? फीमेल। फीमेल है। अगर बच्चे जैसे कि आपने बताया तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो आपके पास से लेके जाएगा या फिर आप डिलीवर भी करा सकते हैं? सर डिलीवर कराने का तो वैसे भी कोई सिस्टम नहीं है, पर लेकिन आप चाहे तो कांटेक्ट करके हमारे से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो मिस्टर विमल मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट शेयर करिए हमारे दोस्तों को, किसान भाइयों को, अगर कोई इसका बेबी लेना चाहे, पपी लेना चाहे, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, प्लीज़ आप नंबर बताइए। 9058737767। तो ये जो आप नंबर अभी आपने सुना है इस नंबर पर सर व्हाट्सएप हो जाएगा? सर व्हाट्सएप पूछ के व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी ब्रीड के बारे में जानकारी लेनी हो या बच्चे के बारे में तो आप कुछ भी व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अगर टाइम की बात करूँ तो कब से कब तक? टाइम तो नॉर्मली दिन में 10 बजे से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 8 तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप रात में परेशान कर रहे हैं। और आपको अगर ये ब्रीड चाहिए, इसके पपीज़ इसके बेबी चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। मिस्टर विमल आपने अपना वक्त दिया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और किसान भाइयों इसके अलावा मिलते रहेंगे बेहतरीन वीडियो में हम, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। इसके अलावा आप सचिन पबरसा पर भी विजिट कर सकते हैं, द हरी ओम कॉमेडी पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली इससे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।